हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y200 प्रो डिवाइस के अंदर आप वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फोन में वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वाईफाई हॉटस्पॉट से होता है कि आप अपने इंटरनेट को किसी दूसरे फोन में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके एक फोन में इंटरनेट है और एक दो फोन में इंटरनेट नहीं है तो आप अपने हॉटस्पॉट से अपने इंटरनेट को शेयर करेंगे तो जो आपका दूसरा फोन है जिसमें इंटरनेट है उसमें भी आप अपने इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। अपने वाईफाई को कनेक्ट करेंगे अपने हॉटस्पॉट से तो वहां पे जो है आपका इंटरनेट चलने लग जाएगा और सभी फोनों में आप अपने इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो आपका डाटा शेयर होगा दूसरे फोनों में आपका इंटरनेट चलेगा, तो जब डाटा आप शेयर करेंगे तो आप अपने हॉटस्पॉट में पासवर्ड भी लगाएंगे और उसके अलावा कुछ और भी सारे सेटिंग है जिसको आपको इनेबल करके यूज करना होगा। तो आप अपने हॉटस्पॉट को कैसे मैनेज करेंगे यही चीज यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में हॉटस्पॉट सेटिंग करना है। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे वाईफाई हॉटस्पॉट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑफ का ऑप्शन आ रहा, जो अभी हॉटस्पॉट अभी हमारा यहाँ पे ऑफ है तो हम इसको यहाँ पे पहले इनेबल करेंगे। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे ये इनेबल हो जाता है और यहाँ पे QR कोड आ जाता है। दोस्तों, आप अपने वाईफाई से स्कैन करके और अपने हॉटस्पॉट का जो QR कोड है उसको स्कैन करेंगे तो वहां पे आपको पासवर्ड नहीं एंटर करना होगा, डायरेक्ट वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। और यहां पे आपको मिलता है हॉटस्पॉट नेम, यहां पे आप अपने हॉटस्पॉट का नेम ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका नाम हो यहां पे आप ऐड कर सकते हैं। और कहीं भी वाईफाई सर्च करेंगे आपका हॉटस्पॉट अगर इनेबल है तो ये नाम वहां पे देखने को मिल जाएगा और अपने डिवाइस को आप पहचान पाओगे। यहाँ पे हम जैसे कुछ नाम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस तरह से और ये नाम वहाँ पे आएगा। ओके, नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो आप अपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी लगा सकते हैं ताकि जो आपका हॉटस्पॉट है कोई और ना कनेक्ट कर सके। तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन आएंगे। और अगर आपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी नहीं यूज करना चाहते हैं तो आपको नॉन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी यूज करना चाहते हैं तो ऊपर के तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको यूज करना है। तो हम जैसे ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर लिए और नीचे आपको मिल जाएगा हॉटस्पॉट पासवर्ड, तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने पासवर्ड को एंटर कर लेना। आपको जो भी पासवर्ड लगाना हो आप यहाँ पे उस पासवर्ड को एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ये पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है वन टाइम मोबाइल डाटा यूज लिमिट, तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने हॉटस्पॉट में लिमिट लगा सकते हैं। जो आप डाटा शेयर करेंगे कितना डाटा शेयर करेंगे इसका आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड, अगर आपको चाहे जितना डाटा शेयर करना है तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 50 MB, 100 MB, 200 MB इस तरह के आपको मिलते हैं, इसमें से भी चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको कोई और गिनती ऐड करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी गिनती ऐड करेंगे, जितना भी गिनती आप यहाँ पे ऐड करेंगे उतना MB यहाँ पे शेयर होगा। आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ये सेट हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन, दोस्तों आप अपने हॉटस्पॉट से कितना वाईफाई कनेक्ट करेंगे ये भी चीज़ यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कनेक्शन मैनेज कर लेना है कितना वाईफाई आप अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आप जितना कम करना चाहें कम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लगभग 10 कनेक्शन यूज करने को आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे 10 वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम रखना है, 1-2 रखना है, 2-4 रखना है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और नीचे आपको मिलता है टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, दोस्तों जैसे आप अपने हॉटस्पॉट को यूज करते हैं तो उसको कभी कभी ऑन करके आप भूल जाते हैं, वहाँ पे वाईफाई नहीं कनेक्ट करते हैं तो जो आपका हॉटस्पॉट है वो ऑन रह जाता है। ऐसे टाइम में आपके हॉटस्पॉट को कोई दूसरा भी कनेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, इस छोटे से बटन को इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे आप अपने हॉटस्पॉट को ऑन करके अगर भूल जाते हैं और वहाँ पे वाईफाई नहीं कनेक्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद जो आपका हॉटस्पॉट है वो बंद हो जाएगा। इस तरह से आप ये सारे सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।